ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई हमारे पास एक ही जवाब है, ड्रामे का कहलाता है, क्योंकि अब नायरा कार्तिक का ऐसा ड्रामा चल रहा है जो है तो मजेदार, लेकिन भला हॉस्पिटल में कोई ऐसा ड्रामा कैसे कर सकता है? आपको क्या मतलब है? मेरी बीवी क्या मारती है आपको? आने वाली घड़ी में एक कभी भी एक बार फिर से नायरा कार्तिक मम्मी पापा बन सकते हैं। खूब सारे उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार नायरा अस्पताल आ ही गई है, लेकिन भाई अब इस अस्पताल में वो डॉक्टर नहीं है जो नायरा की डॉक्टर हुआ करती थी। अब नायरा के लिए जो डॉक्टर अवेलेबल है उससे तो नायरा का ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है। अब सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली है, क्योंकि नायरा इस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन नहीं करवाएगी। एक तरफ कार्तिक जहां पर डॉक्टर से मिन्नतें कर रहा है कि नहीं मेरी नायरा को आप ही देख लीजिए। आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया, लेकिन फिर दादी ने एक आवाज दी तो सब चुप बैठ गए। अब दादी की भी तो बात माननी पड़ेगी ना, अब दादी के सामने भला किसकी चलेगी। अरे उसने क्या जानबूझ के मारी होगी आपको? हो गया होगा दर्द में। चलो अब चुपचाप नायरा का चेकअप करो, और नायरा तुम भी बिना उनको परेशान किए चेकअप करवा लो। चलो अब भी नायरा और कार्तिक का ये होने वाला बेबी जरूर कुछ चमत्कार करेगा। अब होने से पहले ही इतना क्योस हो गया है, तो सोचिए जब वो बेबी हो जाएगी तब क्या होगा। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि नायरा एक प्यारी सी बिटिया रानी को जन्म देगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। वैसे यकीन मानिए, आज की अफरा तफरी भरी जिंदगी में किसी को दो पल चैन के मिल जाए और चैन की नींद नसीब हो जाए ना, वाकई आपको खजाना मिल जाता है। आपको एक्चुअली अपने सपनों की दुनिया मिल जाती है, और लगता है कि कार्तिक को भी फाइनली नसीब हो गए हैं चैन के कुछ पल, क्योंकि कार्तिक जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है में मिल चुके हैं, घर पहुँच चुके हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। इन शॉर्ट दूसरे भी चैन की नींद सोएंगे अब। कार्तिक और नायरा के बीच सब कुछ ठीक हो गया। जान पर खेलकर नायरा ने अपने कार्तिक को बचा ही लिया, और माता रानी के आशीर्वाद से अब ये दोनों स्वस्थ भी हैं और अपने घर चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहे हैं। अब सही भी तो है, नायरा और कार्तिक चैन की नींद सोएंगे तभी तो इनके घर वालों को भी चैन आएगा। फिलहाल चैन की नींद सोने से पहले थोड़ा सा रोमांस करना जरूरी है। अब वो क्या है ना, इतने दिनों की भागम दौड़ी में इन्हें मौका ही नहीं मिला एक दूसरे से प्यार जताने का, और नायरा के मम्मी बनने वाले पल को कार्तिक इंजॉय ही नहीं कर पाया। तो भाई देख लीजिए पति पत्नी का बड़े दिनों बाद होने वाला रोमांस। अब नायरा
नायरा के घर बेटा होगा या बेटी ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हाँ घर में पिंक पिंक रंग के टैडी देखकर ऐसा लग रहा है कि छोटी सी बिटिया रानी तो होगी ही। वैसे ही आपको हमारी बेटी को देखा, नींद का क्या है, वो तो कल दिन में पूरी हो जाएगी। अब अगली बार जब मिलेंगे नायरा और कार्तिक से तो उम्मीद करते हैं कि नायरा के गोद में एक छोटा सा बच्चा जरूर देखेंगे और कार्तिक आपसे मिठाई खाना हम नहीं भूलेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई है सीरियस मैन। कैसी है ये फिल्म, क्या है इसका सब्जेक्ट और देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा हमारे इस रिव्यू में। जी हाँ, रिव्यू देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी ये जानने में और ये तय करने में कि ये फिल्म देखें या नहीं। आपके बोले हुए झूठ में आप खुद ही फंस जाते हैं और फिर सच ही है जो आपको सारी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। बस सीरियस मैन की कहानी को डिस्क्राइब करने के लिए एक लाइन ही काफी है, लेकिन जिसकी बार बार तारीफ होनी चाहिए वो है फिल्म के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा की, जिन्होंने झूठ के पुलिंदे को फिल्म में काफी होशियार तरीके से पेश किया है और ये भी बखूबी दिखाया है कि कैसे सच ही सच्चा सुख है। इस डिश के इंग्रेडिएंट्स में पॉलिटिक्स, एडमिशन के नाम पर भ्रष्टाचार और कैसे हर आम आदमी को परेशान करते हैं समाज के कुछ सीरियस मैन, ये सारे मसाले पूरी डिश को सुपर टेस्टी बना देते हैं। मनी के किरदार में नवाज की एक्टिंग जबरदस्त है और चालाकी के साथ साथ मजबूरी से बंधा बाप नवाज के किरदार में साफ देखने को मिलेगा। संजय नार्वेकर और श्वेता प्रसाद बासु फिल्म में अपने हर सीन को बखूबी निभाते हैं, लेकिन मणि के बच्चे के किरदार को प्ले करने वाला बच्चा अक्षत दास कमाल का है। 114 मिनट की ये फिल्म आपको बोर नहीं करेगी, बल्कि आपको ये सिखाएगी कि अपने बच्चे को सच्चाई से अवगत करवाएं तो उसकी सारी मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाएंगी और दुनिया खुद ब खुद उसे बना देगी एक सीरियस मैन। सास बहू और साजिश की तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। देखिए, अनुपमा की सास ने वो कर डाला जो अनुपमा नहीं कर पाई, यानी कि काव्या को उसकी जगह दिखा दी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सासें जो हैं हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, कभी कभी वो प्रॉब्लम्स का समाधान भी कर देती हैं। तुम्हें क्या दूसरों के फैमिली फंक्शन में घुसने का शौक है? ऐसे तो ना वो पोलियो की दवाई पिलाने वाले भी घर में नहीं घुसते। 2 दिन के लिए रहने आई थी, ब्लॉक तो लगता है कि इस एड्रेस का आधार कार्ड बनाने दे दिया है। What did you just say? तुम्हारे माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है? मेरे पेरेंट्स पे मर जाएंगे। मेरे घर में रहकर मुझसे ऊंची आवाज से बात कर रही है? तो आप कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? Who the hell are you? काव्या, आज का दिन तो है भाई अनुपमा की सासू माँ के नाम। जी हाँ, अनुपमा की ये वही सास है जो दिन रात अनुपमा में कमियाँ ढूंढती ही रहती है, लेकिन आज वो अपनी बहुरानी अनुपमा के साथ खड़ी है। काव्या को आज उसकी असली जगह बता रही है। सासू माँ ने काव्या की छुट्टी कर दी। तुम्हें क्या दूसरों के फैमिली फंक्शन में घुसने का शौक है? ऐसे तो ना वो पोलियो की दवाई पिलाने वाले भी घर में नहीं घुसते। क्योंकि तोशु और किंजल की सगाई में अनुपमा की एक भी तस्वीर नहीं दिखी। दिखी तो केवल काव्या की तस्वीर, वो भी वनराज के साथ। अब सासू माँ को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कांटे की तरह काव्या की तस्वीर उसके दिल में चुभ रही थी।
फिर क्या, सासू माँ ने न आव देखा न ताव और ले ली काव्या की क्लास। तूने सब जान मुझ से किया है, देख यहाँ ताव आप हुई नहीं करी है। तुम्हें क्या दूसरों के फैमिली फंक्शन में घुसने का शौक? उसने भी पलटवार किया अनुपमा की सासू माँ पर। तो आप कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? अब भाई ये तो ठीक है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, जिसके घर में काव्या रह रही है उसी के साथ तू तू मैं मैं कर रही है। ये आपका घर नहीं है बाप, ये बनराज शाह का घर है और अनुपमा और बनराज ने मुझे यहाँ रहने के लिए। तो आप कौन होती है मुझे कुछ भी कहने वाली? अनुपमा को अपनी सास की इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और फिर अनुपमा ने भी काव्या को चुप कराया। काव्या, घर में बात से ना कोई ऐसे बात करता है और ना ही कर सकता है। बस मेरी बाप के बारे में एक और सपने। अब आपको क्या लगता है, ये मामला यहीं तक सेटल हो जाएगा या फिर बात वनराज तक जाएगी? अब काव्या, इस सासू माँ से पंगा लेकर आपने अच्छा नहीं किया, इस घर से आपने खुद ही इंतजाम कर दिया अपना पत्ता साफ करने का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।